नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। स्वास्थ्य अवस्था बिगड़लाक बाद सिरोहिया अस्पताल भर्ना भेल मुख्य प्रसंग स। कांतिपुर मीडिया ग्रुप के अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया अस्पताल भर्ना भेल शनि। नागरिकता संबंधी कसूर में नियंत्रण में रहल सिरोहिया के बीतल रात 10 बजे अस्पताल में भर्ना कैल गल। जिला प्राधिकारी धमसा के अनुसार कल बीतल सांझ स्वास्थ्य में समस्या देखल गलाक बाद हिंका प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर ल जाओल गल। प्रादेशिक अस्पताल में भेल चेक जांच के क्रम में धड़कन में भेल समस्या बाद राते हिंका जनकपुर स्थित कब्या अस्पताल में भर्ना कैल गल। जिला अदालत धमसा प्री हिरासत में रहल सिरोहिया के शुक्र दिन हिरासत में राख पुनः 3 दिन के म्याद थप केने। मगवानपुर के हेटौड़ा उपमहानगर पालिका 11 थाना भरियांग स्थित पूर्व पश्चिम सड़क खंड में बीतल रात बस के टक्कर से एक गोटे के मृत्यु भेल। सरलाही से काठमांडू दिश जा रहा NH7 16 65 नंबर के बस टक्कर देला से अंदाजी 40 वर्षक पुरुष के घटनास्थल में मृत्यु भेल। जिला प्राधिकारी ने मकवानपुर के प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मी भंडारी जानकारी देने शनि। हिंकर अनुसार मृतक पुरुष के हाल नाम थर वतन खोज नहीं सकल आ मृतक पुरुष के लाश हेटौड़ा अस्पताल में राखल गल। उक्त घटना संबंध में आवश्यक अनुसंधान समेत भरल जिला प्राधिकारी ने मकवानपुर द्वारा जानकारी दल गल। तिनाव नदी में नहाय पहुँचल एक गोटे किशोर के डूबला से मृत्यु भेल। तिलोत्मा नगर पालिका 6 हरियाली पार्क नजदीक तिनाव नदी में डूब के तिलोत्मा 5 नया मेल रहनिहार 17 वर्षक दिव्यांश भूषाल के मृत्यु भेल। प्री जानकारी देनी है शनि दिन भिनसर 8 बजे दिस 3 गोटे नहाय के लिए नदी में पैसल सल। नहाय क्रम में दिव्यांश डूबलाक बाद स्थानीय बासिंदा प्री के खबर केने सल। मंगलपुर स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय से प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक दीपेंद्र बनिया के नेतृत्व में खटल टोली दिव्यांश के नदी में मृत अवस्था से बाहर निकालने सल। प्रहरी में जागीर लगा देव कहे 3 लाख से अधिक रकम ठगी केने आरोप में एक गोटे के नियंत्रण में लेल गेल। नियंत्रण में रहल मोरंग के कटहरी गांव पालिका 3 रनिहार 45 वर्षक पंचू पासवान रहल शनि। हिंका जिला प्रहरी कार्यालय मोरंग से खटल प्रहरी टोली नियंत्रण में लेनी है। नियंत्रण में रहल हिंका ऊपर ठगी कसूर में मोरंग जिला अदालत से 5 दिन के म्याद थप करते अनुसंधान समेत भ रहल मोरंग प्रहरी द्वारा जानकारी दल गल। पासवान कटहरी 5 रनिहार संपत लाल झागर के बेटा राजकुमार ओरावल के नेपाल प्रहरी के कार्यालय सहयोगी पद में जागीर लगा देव कहे 3,30,000 नगद ठगी के ने प्रहरी जानकारी देनी है। विश्व के सर्वोच्च शिखर सागरमाथा के सफल आरोहण के लिए सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सूरज पौडेल के सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के प्रधान कार्यालय हल चौक में स्वागत तथा सम्मान कैल गल। शुक्र दिन दोपहर सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजू अरियाल तथा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सब नारायण दत्त पौडेल चंद्र प्रकाश गौतम बंशीराज दहाल लगायत वरिष्ठ अधिकारी सब पर्वतारोही सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पौडेल के प्रधान कार्यालय में स्वागत केने सलन। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के इतिहास में पहिल बेर संगठन के प्रतिनिधित्व करित सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पौडेल जेठ 7 गते सोम दिन भिनसर 10:20 में सागरमाथा के सफल आरोहण केने सलन। आरोहण पश्चात हिंका सोलुखुम के लुकला विमानस्थल से हेलीकॉप्टर मार्फत सीधा प्रधान कार्यालय में फिरता पठाव व्यवस्था समेत मिलाएल गल सल। कार्यक्रम में सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पौडेल सागरमाथा के शिखर में फरेनी संगठन के झंडा समेत सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजू अरियाल हस्तांतरण केने सलन। कार्यक्रम में सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पौडेल सागरमाथा आरोहण के अनुभव समेत सुनैल सल। संखुआ सभा स्थित चीन संग जुड़ल कीमा थांगा नाका शनि दिन से पुनः संचालन में आयल। करीब 4 वर्ष पहिने नाका बंद कैल गेल संगे ई पुनः संचालन में आयल। उप प्रधान एवं परराष्ट्र मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी देने शनि। कीमा थांगा नाका पुनः संचालन औपचारिक कार्यक्रम संपन्न करते बाद शनि दिन संग सभा आयोजित पत्रकार सम्मेलन में श्रेष्ठ कूटनीतिक संवाद बाद कोविड के कारण बंद रहल नाका खुलाब सफल भेल जानकारी देलन। चीन के छिंगतांग में भेल कार्यक्रम
के 14 परंपरागत नाका खुलाव औपचारिक घोषणा समेत भेल हिनकर कहब सल ओ तत्काल 7 नाका खुल चुकल आ अन्य 7 नाका खोलन लेल मिति तय भ रहल धारणा सेहो रखलनि। ओ चीन जाय नेपाली के लेल भिसा शुल्क निःशुल्क कर सहमति होइत कार्यान्वयन समेत भ चुकल जानकारी देने सहित इन समारोहमा चीनको शिजान अथवा तिब्बत प्रोभिन्सको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो र नेपाल सरकारको तर्फबाट मैले र चीनको तर्फबाट सिजान प्रोभिन्सका उपाध्यक्षले संयुक्त रूपमा हामीले आज त्यो घोषणा गर्यौँ र आजदेखि 7 नाकाहरू घोषणा खुला भइसकेका छन्। यो घोषणा सँगसँगै यो घोषणा सँगसँगै अरू बाँकी 7 नाका कहिले हुन्छ भन्ने बारेमा मिति तय गरिसकेको छ। त्यसैले एउटा ठुलो उपलब्धि हो जसले सीमा क्षेत्रका जनताको बिचको अन्तर्क्रियालाई, व्यापारलाई, हाम्रो सांस्कृतिक अन्तर्क्रियालाई धेरै ठुलो मद्दत पुर्याउँछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। त्यसको साथसाथै यो चिनसँगको हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय यसभन्दा अगाडि भइसकेको छ। विशेषतः नेपाली नागरिकहरू चिन भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूको हकमा भिसा शुल्क नलिने निर्णय पनि यसअघि जुन 1 मे 1 नै लागु हुने गरी त्यो क्रियान्वयनमा भइसकेको छ। यो कुरा पनि हाम्रो चिन भ्रमणको बेलामा, मेरो चिन भ्रमणको बेलामा यो कुरा हामीले प्रस्तावित गरेका थियौँ र यसमा सहमतदारी बनेको थियो। त्यही सहमतदारी अनुसार मे 1 चिनले नेपालीहरूलाई भिसा शुल्क नलाग्ने घोषणा गरिसकेको छ। अहिले 14 नाका परम्परागत नाका खोल्ने घोषणा भइसकेको छ। लासाबाट पहिला सामान ल्याउँदाखेरि त्यहाँ फर्स्ट रोकेर अर्कोमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने त्यो स्थिति थियो, त्यसलाई पनि फेरिएको छ र गाडीहरू सिधै ल्याउन सक्ने व्यवस्था, सामान सहितको व्यवस्था सुरुवात भइसकेको छ। यो चरणको क्षेत्रमा सीमावर चरण चीन सरकार कोविड महामारीके कारण देखबैत केमा थुरुङ्गा नाका बन्द कयने छल। नेपालके उत्तरी क्षेत्रमे रहल विभिन्न 14 परम्परागत नाका पुनः सञ्चालनके लेल नेपाल आ चीन बीच निरन्तर छलफल होइत आयल जानकारी देलनि। देशके भुगतान करब बाँकी रहल सार्वजनिक ऋण करिब 24 रहल सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयद्वारा जानकारी देल गेल अछि। चालू आर्थिक वर्षके 10 महिनामे 98 अर्ब ऋण थप्याल समेत अछि। ई चालू आर्थिक वर्षके 10 महिनाके भुगतानी करब बाँकी सार्वजनिक ऋण रहल। चालू आर्थिक वर्ष 2081-80 सुरुमे कुल सार्वजनिक ऋण 22.99 अर्ब रहलमे 2081 वैशाख मसान धरिमे 58.08 करोड थप प्राप्त भ कुल ऋण 23.97 अर्ब रहल सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रतिवेदनमे उल्लेख रहल अछि। अहिना चैत महिनाके तुलनामे कुल सार्वजनिक ऋण 11.64 करोड थप भेल अछि। कुल गृहस्थ उत्पादनके आधारमे सार्वजनिक ऋण 42.02% रहल अछि। त गत वैशाख मसान्तके कुल सरकारी ऋणमे आन्तरिक ऋणके दायित्व 11.84 अर्ब 48 करोड बराबर रहल अछि। ई अवधि धरिके आन्तरिक ऋण देशके कुल गृहस्थ उत्पादन 20.76% बराबर रहल अछि। अहिना बाह्य ऋण दायित्व 11.12 अर्ब 95 करोड बराबर पहुँचल अछि। त GDP अनुपातमे बाह्य ऋणके दायित्व 21.26% बराबर रहल अछि। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयके अनुसार चालू आर्थिक वर्षके मसात महिना धरि सरकार कुल 2.64 अर्ब 63 करोड बराबर ऋण उठेलासँ 1.66 अर्ब 55 करोड 44 लाख बराबर सवा ब्याज भुक्तानी सेहो रहल अछि। ई अवधिमे सरकार उठेने ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण
1,91,000,000,000 बाह्य ऋण 73,63,00,00,000 बराबर रहल स्थायी सवा ब्याज भुगतानी दिस आंतरिक ऋण के सवा ब्याज भुगतानी 1,35,62,00,00,000 आ बाह्य ऋण के सवा ब्याज दिस 30,93,00,00,000 बराबर भुगतानी भेल अछि। टुडे समाचार में आब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। अंतर्राष्ट्रीय अदालत के आदेश बावजूद इजरायल गाजा के रफा सर में आक्रमण जारी रखने अछि। संयुक्त राष्ट्र संघ के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस काल्हिखन रफा शहर में आक्रमण रोकय इजरायल के आदेश देने छल, मुदा इजरायल रफा शहर से तत्काल सेना फिरता कर सक अवस्था नहीं रहल कहत आक्रमण के जारी रखब बीबीसी हिंदी द्वारा जानकारी देने अछि। अंतर्राष्ट्रीय अदालत दक्षिण अफ्रीका के निवेदन ऊपर सुनवाई करते आक्रमण रोक इजरायल के आदेश देने, मुदा आदेश लिखते प्रतिक्रिया दैत इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास के पक्ष लक आदेश आयल टिप्पणी के ने बीबीसी द्वारा जानकारी दल गल अछि। ओ यदुही सब प्रति नकारात्मक धारणा सहित आदेश आयल कहे तत्काल रफा से सेना फिरता नहीं आनब जानकारी दिलन। आदेश के बाद इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आ विदेश मंत्रालय संयुक्त विज्ञप्ति निकाल कर इजरायल रफा शहर में रहनिहार नागरिक के जान जोखिम में पार जहन ऐसे पहले ही कार्यवाही नहीं कल गल आब दिन में से नहीं कर जानकारी देनी है। रफा शहर में इजरायली सेना पिछला दिन समय आक्रमण तीव्र बनबत 10,00,000 से अधिक पैलेस्टीनी नागरिक जोखिम में रहल कहे दक्षिण अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय अदालत में निवेदन देने छल। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लिए एतबा, पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब। तखन धर के लिए हम सपना विदा मांगे छी, देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।